इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। लगाई साहब, बहुत सारे लोग कल से ये बातें भी कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के साथ ठीक नहीं हो जाते, तब तक शायद पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ऐसी भी कोई बात है? ठीक होने का क्या मतलब है? हमें सबमिट कर दें, हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दुख और सुख में शरीक ना हों। ठीक होने का मतलब ये है कि हमारा अपना कोई मफाद नहीं। ठीक होने का मतलब है हम प्यासे मर जाएं। ठीक होने का मतलब यह है कि हमारे दरियाओं के ऊपर रुकावटें डाले इंडिया और हमें मुश्किलात का शिकार करे। ठीक होने की तो ये शरायत हैं। क्या ये शरायत हम मंजूर कर सकते हैं? क्या हम कश्मीर का सौदा कर सकते हैं? अगर हमारी हुकूमतों में इतनी जुरत है तो कर लें, वो ऐसा कर सकती हैं तो वो कर लें ऐसा। मैं ये समझता हूँ कि आप जितना भी पस्पा होते चले जाएंगे, वो आपको और ज़्यादा पस्पा करते चले जाएंगे। आपने डिक्टेशन एक दफ़ा अगर ले ली है तो फिर पै दर पै आपके ऊपर फरमान जारी होते रहेंगे, ये कीजिए वो कीजिए, उठ जाइए उठ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, सो जाइए सो जाइए, लेट जाइए लेट जाइए, आप मर जाइए, और यहाँ तक भी फरमाइश होंगी। नहीं, फिर अपने आप को गुम भी खुद ही कीजिए भाई। वो तो आप, हमने 60-70 हज़ार कुर्बानियाँ दी, वो कहाँ गई? हमारे लोग मरे वो कहाँ गए? दहशतगर्दी हो रही थी, धमाके हो रहे थे भाई, हमारे ग्रेजन पर हो रहे थे, छावनियों पर हो रहे थे, जीएच के ऊपर हो रहे थे। हमने जंग लड़ी है उनके साथ, हमने दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ी, हमारे हजारों लोग जो हैं वो जान से गए। और हमसे बार बार ये कहा जाता है कि जनाब आपने तो वो हमारी वो फुलां फरमाइश तो पूरी की ही नहीं है, हर बार एक नई फरमाइश आ जाती है। और आप जिनको बचाना चाहते हैं उनको बचाते हैं और जिनको नहीं बचाना चाहते हैं उनको नहीं बचाते हैं। और आप हमारे ऊपर नया नया एजेंडा मुसलत करने की कोशिश करते हैं, और उस नए एजेंडे का क्या मकसद होता है कि हम सर घुटने टेक दें और इंडिया से ये कह दें, माई बाप तू हमारा बड़ा है, इस रीजन के अंदर तेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म ने बात की थी, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी थी कि अगर ये हल हो जाता है तो फिर जो है मसला ही नहीं है, फिर तो हमें एटम बम की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एटम बम जो है वो फुला 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 वजह से था भाई। डिट्रेंट तो आपका डिट्रेंट है ना, आपका डिफेंस डिट्रेंट तो इसलिए होता है ना कि उसके पास जो है वो लाठी है, मेरे पास भी लाठी है, वो लाठी मारेगा मैं भी लाठी मारूंगा, उसके पास गोली है मेरे पास भी गोली है, वो गोली मारेगा मैं भी गोली मारूंगा, उसके पास बंदूक है मेरे पास बंदूक है, वो बंदूक मारेगा मैं बंदूक मारूंगा, उसके पास कलाशनकोप है वो कलाशनकोप मारेगा मैं कलाशनकोप उसके पास भाई, उसके पास एटम बम है, हम क्या करें? वो हमारी यहाँ बैठा हुआ है, हमारे पानी के रिसोर्स पर कब्जा करके बैठा है, हमारे कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है। और हम कहें कि ना जनाब, ओहो हमने तो ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, हमने माजी पर मिट्टी डाल देनी है, डाल दें आप, लेकिन पहले ये तय करें, पहले तय करें। दो कमेटियां थी, मैं आपको बताता हूँ, एक जमाने में जब अमन की आशा की बड़ी वो चल रही थी, एक कमेटी का चेयरमैन मैं था और अच्छा। एक और साहब थे, तो मैंने कहा था यार हम कम अज कम आइडेंटिफाई तो कर देना कि हमारे ये इश्यूज हैं इंडिया के साथ जिनको हल होना है, जिनको हल होना है और जिसके लिए दोनों हुकूमतें सीरियस कोशिशें करनी है। हमारे ये इश्यूज हैं, हम इशू के बारे में, पानी का मसला है हम इसको हल करना चाहते हैं, कश्मीर का मसला हम इसको हल करना चाहते हैं, सरकरी का मसला हम इसको हल करना चाहते हैं, सियाचिन का मसला हम इसको हल करना चाहते हैं, और अमरीका उसके इंडिया के थ्रेट का मसला हम उसको हल करना चाहते हैं। भाई कम अज कम हमारे एजेंडे पर ये चीजें हूं तो फिर हम पेश रख भाई, इंडिया ये बात माने कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है, पानी का मसला एग्जिस्ट करता है, सियाचिन का मसला एग्जिस्ट करता है, हमारा सरकरी का मसला एग्जिस्ट करता है, ठीक है आप इसको माने और हम अपने बातचीत के जरिए इसको तय करेंगे, आए चलें फिर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं, और हम कहेंगे नहीं हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने तो नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया कहे चाहे वो अमरीका कहे कोई भी कहे। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या अपना एक वाज़ेह मौकिफ रखना चाहिए एफएटीएफ के सामने और पाकिस्तान को इस पर एहतजाज करना चाहिए? पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए उन फरमाइशों से जो उनसे की जाती हैं। सबसे बड़ी गलती थी, मैं उस वक्त की समझता हूँ क्या क्या चीज हुई थी पाकिस्तान, क्या गलती थी। बाद में ये जाहिर हो गया था ना कि कोई एक भी बंदा जिसने
ट्विंस टावर उड़ाया, जिसने उस पर हमला किया, अमरीकी अहम अहम वो जो है पेंटागन पर हमला किया, या जिसने जहां जहां भाई अटैक किया उनमें एक भी पाकिस्तानी नहीं था। तो खौफ लेकर हम बैठे हुए, हमारे प्रेसिडेंट को फोन आता है, दोस्तों दुश्मनों, कहने हम तो दोस्त हैं। उनने कहा दोस्तों तो फिर ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ शामिल नहीं थी कि खुदकुशी करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने शामिल कर दी। और हमने जो है किसी को बुलाया नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया। भाई रात को 2 बजे फोन कर रहे हो, मैं कम से कम किसी दोस्त से तो मशवरा कर लूँ सर आप। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी एंकर का फ्रस्ट्रेशन। पाकिस्तान अब FATF में पिछले 3-4 साल से ग्रे लिस्ट में होने के बाद इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब ये बोल रहा है कि हम घुटनों पर आ जाएं, हम अमेरिका के घुटनों पर आ जाएं, इंडिया के घुटनों पर आ जाएं। तो दोस्तों अब इसको पाकिस्तान को समझाए कौन। FATF में ग्रे लिस्ट होने से पहले पाकिस्तान क्या क्या काम कर रहा था पाकिस्तान को लोगों को पता है। पाकिस्तान में हाफिज़ सईद जैसा आतंकवादी हाई कोर्ट से जमानत ले लेता है, मतलब और वो जेल में जाकर वो लकवी बच्चे पैदा करता है। इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान में होती हैं और उसके बाद इनको लगता है कि ये FATF से निकल जाएंगे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में अगर आप 2-3 दिन पहले का ट्रेंड चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा तालिबान इज़ अवर गार्जियन, इस तरीके के ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहे हैं। और उसके बाद ये सोचते हैं कि ये FATF से बाहर निकल जाएंगे, मतलब तालिबान इनके अगर गार्जियन हैं तो फिर सोच लो आप। तो ये लोग चाहते हैं कि FATF से निकल जाएं। दोस्तों FATF में ग्रे लिस्ट होने से पाकिस्तान को लगभग $10 बिलियन का हर साल घाटा होता है, नुकसान होता है जो ट्रेड वगैरह होती है उस चीज़ में। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए तो इसको मज़ा आ जाए। वो ब्लैक लिस्ट अब पता नहीं कब होगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी होगा। जिस तरीके से ये अमेरिका को लेकर अपना रवैया अपना रहे हैं तो वो ब्लैक लिस्ट कर देगा। और दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जाइए तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।